दोस्तों, वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बैडएस और थोड़ी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर इन नारुतो, मिनाटो नामिकाजे की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम फेमसली द येलो फ्लैश के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कि कैसे मिनाटो बाकी सारे लोगों से बहुत ही अलग था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो या विलेज वाले, और कैसे आखिर में जाके मिनाटो पहला सबसे यंगेस्ट होकागे बना जिसने खुद को सैक्रिफाइस किया फॉर हिज विलेज। तो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन अर्ली लाइफ। देखो, मिनाटो के पेरेंट्स के बारे में हमें इतना कुछ तो पता नहीं है, पर मिनाटो का बचपन से एक ही सपना था कि उसे विलेजर्स का रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन चाहिए बाय बिकमिंग अ होकागे। और इसी रीजन के कारण मिनाटो कोनोहा के एकेडमी में एडमिशन लेता है। इस एडमिशन के दौरान ऐसे ही कुशीना उजुमाकी नाम की एक लड़की भी एडमिशन लेती है, और कुशीना भी सेम क्लास में होती है जिस क्लास में मिनाटो होता है। मिनाटो कुशीना को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, मेनली बिकॉज ऑफ हर ब्राइट रेड हेयर कलर्स, जो उसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। इसके बाद मिनाटो को गेनिन यूनिट में ऐड किया जाता है विद अदर टू गेनिन्स, और उस टीम का लीडर होता है अपना पूर्वी जिराया सेंसे। जिराया मिनाटो को मिलने के बाद उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेने लगता है ड्यू टू हिज स्किल्स एंड एबिलिटीज, और इसके कारण जिराया फिर पर्सनली मिनाटो को ट्रेन करना भी चालू कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद मिनाटो ही है द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। सो कुछ सालों में ही मिनाटो ग्रेजुएट होने के बाद एक दिन कुमाकाकुरे के निंजास कुशीना को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक झंझुरी की थी, और कुशीना खुद किडनैप होने के बाद अपने बालों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगती है ताकि जो भी उसे बचाने आए उन्हें समझ आए कि कुशीना किधर है। सो फिर इन बालों को देख कर मिनाटो नोटिस कर लेता है, तो ये बाल को ट्रैक कर कर मिनाटो कुशीना को बचा लेता है और उसे लेकर कोनोहा की तरफ निकल जाता है। कोनोहा की तरफ जाते हुए अपना मिनाटो दादा कुशीना को फुल इम्प्रेस करने का ट्राई करता है और बोलता है कि कैसे उसे उसके ब्राइट रेड हेयर कलर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो उसकी स्ट्रेंथ की भी तारीफ करता है। ये सुनने के बाद कुशीना, जो कि मिनाटो को एक पावडर समझती थी, वो उसके प्यार में ही गिर जाती है। आई मीन, ये तो होना ही था, आफ्टर ऑल मिनाटो ने अकेले से उसे बचाया है। कुशीना को सेव करने के बाद मिनाटो और कुशीना फुल कपल बन जाते हैं, और फिर इसी प्यार के कारण कुशीना भी कुरामा को अपने अंदर कंटेन कर पाती है। वेल, इसके बाद कुछ ही सालों में कोनोहा थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में टैंगल हो जाता है, और इस वॉर के दौरान मिनाटो की मुलाकात होती है दो झंझुरू की, हान और रोशी से, जिस फाइट में ये दोनों झंझुर की मिनाटो के ऊपर टेल बीच बॉम्ब फेंक के मारते, और उस बॉम्ब से मिनाटो खुद को और जिराया को कैसे तो भी बचा लेता है, पर इस टेल बीच बॉम्ब से फिर मिनाटो को रासेंगन बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर 3 साल रिसर्च करने के बाद मिनाटो फाइनली रासेंगन को क्रिएट करवाता है। वेल, ये सब होने के बाद फिर मिनाटो के अकम्प्लिशमेंट को देखकर मिनाटो को टीम 7 का कैप्टन बनाया जाता है, जिसमें होते हैं रिन, काकाशी एंड ओबिटो। फिर मिनाटो इस टीम 7 का बेल्ट टेस्ट लेता है। इस टेस्ट में काकाशी, रिन और ओबिटो को मिनाटो से 2 बेल्ट लेने होते हैं। ये सुनकर फिर काकाशी अकेले ही बेल्ट को लेने चला जाता है, पर इवेंचुअली फेल हो जाता है, और इसे देखकर मिनाटो बोलता है कि तुम ऐसे कभी भी टेस्ट पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टेस्ट पूरी की पूरी टीम वर्क पे डिपेंड करती है। और ये सुनकर फिर काकाशी ओबिटो और रिन को डिकॉय बनाकर फाइनली मिनाटो से 1 बेल लेने में सक्सेसफुल हो जाता है, और फिर मिनाटो उनको अपनी टीमवर्क के लिए तारीफ करता है और उन्हें पास कर देता है। ये टेस्ट होने के बाद कुछ ही महीनों में ड्यूरिंग द 3rd ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर टीम 7 को उनका पहला मिशन मिलता है, जिस मिशन में उन्हें कुसागाकुरे विलेज के कनामी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना होता है। इस मिशन के दौरान मिनाटो काकाशी, जो कि एक जोनिन है, उसे इस मिशन का लीडर बना देता है, क्योंकि उसे खुद दूसरी जगह वॉर के फ्रंट लाइन्स पे जाना होता है। और फिर मिनाटो बचे हुए लिफ्ट निंजास के पास जाता है वॉर के फ्रंट लाइन पर, जहां उनकी फाइट इवाकाकुरे यानी कि स्टोन विलेज के निंजा से हो रही होती है। इस फाइट में फिर मिनाटो अकेले ही सिंगल हैंडेडली इवाकाकुरे के 1000 शिनोबीज को पेल देता है बाय यूजिंग हिज कुनाई, और फिर इसी फाइट के बाद मिनाटो का नाम पड़ जाता है द येलो फ्लैश फ्रॉम द हिडन लीफ। इसी बैटल के दौरान मिनाटो के कारण 3rd सूची कागे फिर कोना के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेता है। भाई सोचो, एक बंदा लिटरली आर्मी ऑफ निंजा को हरा सकता है, तो ऑफ कोर्स भाई एक नेशन पीस ट्रीटी साइन तो करेगा ही। वेल, ये वन साइडेड मैसेकर होने के बाद मिनाटो फिर से टीम 7 को मिलने जाता है, और उधर पहुंचने के बाद मिनाटो देखता है कि रिन और काकाशी इवाकाकुरे के निंजा से घिरे हुए होते हैं, और ओबिटो एक पत्थर के नीचे क्रश हुआ होता है। इसे देखकर मिनाटो जल्दी से काकाशी और रिन को बचा लेता है, और फिर अपना ओरिजिनल मिशन कंप्लीट करके कोनोहा चले जाते हैं टू मॉन ओबिटोस डेथ।
ये होने के बाद कुछ ही महीनों में टीम 7 को एक और मिशन मिलता है, जिस मिशन के दौरान मिनाटो को फिर से किसी और जगह जाना होता है। और इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि रिन फिर से किडनैप हो जाती है और फिर काकाशी उसे बचा लेता है, पर इवेंचुअली काकाशी रिन को भी खो देता है जब रिन उसके चिदोरी के सामने आ जाती है। वेल, ये सब होने के बाद मिनाटो को कोनोहा का होकागे बनाया जाता है ड्यू टू हिज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन वॉर, जिसके वजह से मिनाटो फिर कोनोहा का सबसे यंगेस्ट होकागे बनता है ओनली एट द एज ऑफ 20। सो होकागे बनने के बाद मिनाटो देखता है कि काकाशी जो कि आनबू टीम को ज्वाइन किया है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है और बहुत ही कोल्ड हार्टेड बनते जा रहा है। सो काकाशी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मिनाटो काकाशी को आनबू टीम से टेम्पररली निकाल देता है और उसे कुशीना के प्रोटेक्शन के ड्यूटी को लगा देता है, क्योंकि कुशीना प्रेग्नेंट है और सिंस वो झिंझुर की है तो प्रेगनेंसी के दौरान सील लूज हो सकती है और नाइन टेल्स बाहर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए इसी दौरान मिनाटो और कुशीना अपने चाइल्ड का नाम भी सोच लेते हैं, जो कि होता है नारुतो, जो कि उन्होंने जिराया की फर्स्ट बुक के मेन कैरेक्टर के नाम से लिया था। इसे सुनकर जिराया बहुत ही ज्यादा खुश होता है पर बोलता है कि कुछ दूसरा नाम भी सोच सकते हो क्योंकि इससे तो मैं नारुतो का गॉडफादर बन जाऊंगा। पर मिनाटो और कुशीना दोनों बोलते हैं कि नहीं, यही नाम अच्छा है। वेल, इसके बाद ऑन द डे ऑफ डिलीवरी कुशीना को एक रिमोट लोकेशन पे लेके जाते हैं ताकि वो उसके बच्चे को जन्म दे सके और ऑन अक्टूबर 10 कुशीना फाइनली नारुतो को जन्म देती है। नारुतो को जन्म देने के बाद मिनाटो तभी सील को प्रिपेयर कर ही रहा होता है कि तभी अ मास्क मैन नेम टोबी आ जाता है और वो नारुतो को हॉस्टेज ले लेता है और फिर मिनाटो को धमकी देता है कि अगर तुम्हें नारुतो जिंदा चाहिए तो कुशीना को मेरे हवाले कर दो। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मिनाटो कैसे तो भी नारुतो को टोबी के हाथों से ले ही लेता है और नारुतो को लेके टेलीपोर्ट हो जाता है, पर तभी टोबी कुशीना को लेके वहां से चला जाता है और फिर कुरामा को कुशीना से बाहर निकलकर समन करता है। नारुतो को बचाने के बाद मिनाटो जल्दी से कुशीना के पास आता है यूजिंग हिज फ्लाइंग राइजिन जुत्सू और उसे बचा कर लेके जाता है और नारुतो के पास एक सेफ प्लेस में रखता है। मिनाटो उन दोनों को एक सेफ जगह पर रखने के बाद फिर अपना होकागे का जैकेट पहनता है और भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा बैडस था, अभी भी गूज़बम्स आते हैं। वेल, फिर मिनाटो कोनोहा टेलीपोर्ट करता है टू सेव हिज विलेज और उधर आते ही मिनाटो देखता है कि एक बड़ा सा टेल बीच बॉम्ब कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने वाला है, पर तभी मिनाटो अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सू से एक लिटरल टेल बीस्ट को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है, जो कि नो डाउट भाई बहुत ही ज्यादा बैडस है। वेल, ये सब अब जो भी हुआ है ये मिनाटो थर्ड होकागे को इन्फॉर्म करने ही वाला होता है कि तभी मास्क मैन टोबी मिनाटो को किडनैप करने का ट्राई करता है पर मिनाटो एस्केप कर लेता है। सिंस ये मास्क मैन ही कुरामा को कंट्रोल कर रहा था तो मिनाटो ये सोचता है कि उससे पहले इसे हराना होगा जिससे वो कुरामा को रोक सके। और फिर भाई चालू होती है नारुतो एनिमे की वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन, जिसमें टोबी पहले मिनाटो के ऊपर हावी पड़ जाता है पर इवेंचुअली मिनाटो विद हिज इंटेलेक्ट टोबी के जुत्सु को समझ लेता है और फिर उसे अपने फ्लाइंग राइजिन से मार करके टेलीपोर्ट होके उसे रसेंगन से धो देता है। वेल, टोबी को हराने के बाद कुरामा उसके कंट्रोल से निकल जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए कुरामा को रिस्ट्रेन कर लेता है बाय समनिंग कामाबुंटा। कुरामा को रिस्ट्रेन करने के बाद मिनाटो कुरामा को विलेज से बाहर दूर कुशीना और नारुतो के यहाँ टेलीपोर्ट करता है, जहाँ कुशीना एक बैरियर क्रिएट करके कुरामा को उसमें ट्रैप कर देती है जिससे कुरामा उसे बाहर ना आ जाए। इसके बाद अपने विलेज को बचाने के लिए कुशीना बोलती है कि नाइन टेल को उसके अंदर ही सील कर दो जिससे कुरामा उसके साथ ही मर जाएगा, पर मिनाटो ये सुनकर ऑफकोर्स मना करता है और ये भी बोलता है कि टोबी जैसा मास्क मैन आगे जाके कोनोहा पे फिर से अटैक कर सकता है। वेल, फिर मिनाटो रीपर डेथ सील का यूज करके कुरामा के आधे चक्र को अपने अंदर सील कर देता है और आधे चक्र को नारुतो सील करने ही वाला होता है कि तभी नाइन टेल को समझ जाता है कि मिनाटो उसे एक बच्चे के अंदर सील करने वाला है, तो इसी चीज को रोकने के लिए नाइन टेल नारुतो के ऊपर अटैक करता है, पर तभी मिनाटो और कुशीना दोनों नारुतो के सामने आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, पर इन द प्रोसेस वो दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर हो जाते हैं और मरने ही वाले होते हैं। पर तभी मिनाटो गेरोटोरा को समन करता है और उसे सील की चाबी देकर उसे जिराया सेंसे के पास लेके जाने बोलता है और फिर 8 टाइग्राम सील के मदद से मिनाटो नाइन टेल के यांग चक्र को नारुतो के अंदर सील कर देता है और खुद के और कुशीना के थोड़े चक्र को भी सील कर देता है जिससे वो आगे जाके नारुतो की हेल्प कर सके इन कंट्रोलिंग नाइन टेल्स पावर। फिर नाइन टेल को सील करने के बाद मिनाटो और कुशीना मरने से पहले हिरोजन को नारुतो का ख्याल रखने को बोलते हैं और भाई सभी को पता ही है कि ये पाउट है, हिरोजन क्या ही ख्याल रखता है नारुतो का। वेल भाई, इधर मिनाटो मर जाता है तो इधर ही उसकी कहानी खत्म हो जाती है, पर आगे जाके हम मिनाटो को फिर से देखते हैं जब नारुतो और पेन के बीच में फाइट हो रही होती है, जिस फाइट के दौरान
नारुतो अपने एट टेल फॉर्म में चला जाता है और तभी नारुतो कुरामा के बातों में आकर अपने सील को खोलने ही वाला होता है, पर तभी मिनाटो आ जाता है और उसे रोक लेता है। मिनाटो को देखकर नारुतो बोलता है कि फोर्थ होगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि भाई नारुतो को इतने सालों तक लाइक बचपन से पता ही नहीं था कि फोर्थ होगा कि उसका फादर है। वेल ये सुनने के बाद नारुतो फुल शॉक हो जाता है और गुस्से में जोर से मिनाटो के पेट में एक पंच मारता है। ऑफकोर्स भाई ये तो होना ही था। वेल फिर नारुतो रोते रोते बोलता है कि कोई अपने बेटे को कैसे झिंझुरी की बना सकता है, क्या आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई थी फ्रेंड्स बनाने में। नारुतो के इस गुस्से को समझते हुए मिनाटो नारुतो समझाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो आगे जाके मास्ट मैन टोबी से लड़ सके और उसे हरा कर विलेज को बचा सके। इसके बाद मिनाटो नारुतो को ये भी समझाता है कि वो पेन को एक विलेन ना समझे, क्योंकि वो मास्ट मैन ही है जो कि पेन को यूज कर रहा है। और ये बोलने के बाद मिनाटो वहां से डिसअपीयर हो जाता है। तो ये सब होने के बाद हम मिनाटो को फिर से फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के दौरान देखते हैं, जब सास्के ओरोचिमारु के साथ मिलकर बाकी सारे प्रीवियस होकागे को रीएनिमेट करता है, जिसमें टोबीरामा, हाशिरामा, हिरुजेन एंड द फोर्थ होकागे मिनाटो नामी काजे भी होता है। हाशिरामा और टोबीरामा खुद मिनाटो जो कि फोर्थ होकागे है उसे देखकर पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि मिनाटो फोर्थ होकागे है उसे देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं। और भाई अगर इस जगह फुगाको होता तो भाई सीन तो कुछ और ही होता। सो ये होने के बाद सारे होकागे अलाइट शिनोबी के वॉर में मदद करने के लिए निकल जाते हैं, पर मिनाटो सबसे पहले निकल जाता है ताकि वो अपने बेटे नारुतो से मिल सके। फिर मिनाटो बैटल फील्ड में एज ऑलवेज एक बैडेस एंट्री मारता है बाय टेलीपोर्टिंग अ टेल बीच बॉम्ब, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं, पर अपना नारुतो नहीं होता और बोलता है कि आप राइट टाइम पे आ गए। मिनाटो नारुतो और साकुरा को देखकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिससे नारुतो ऑफकोर्स हाँ भाई हाँ बोलता है, पर साकुरा तभी अपने सर से उसको मारती है, जिसे देखकर मिनाटो को बिल्कुल अपने वाइफ कुशीना की याद आ जाती है। फिर ये होने के बाद फिर मिनाटो भी नारुतो की तरह नाइन डेल चक्र मोड में आ जाता है और फिर बाकी सारे होकागेस के साथ मिलकर एक बैरियर क्रिएट करता है टू सील द टेंटेल्स को कंटेन करने के बाद तभी थोड़ी देर में वहाँ पे टोबी आ जाता है टू रिवाइव मादारा। तो उससे रोकने के लिए मिनाटो अपना एक क्लोन भेजता है और उसे अटैक करने के बाद मिनाटो को पता चलता है कि वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि उसका ही स्टूडेंट ओबिटो है। सो ये सब एफर्ट्स के बाद भी सभी टेंटेल को सील करने में फेल हो जाते हैं और ओबिटो वो टेंटेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका झिंझुरी की बन जाता है। इसके बाद ओबिटो फिर उनका बैरियर को डिस्ट्रॉय करता है और मिनाटो तभी सबको अपने टेलीपोर्टेशन जूट्सू से टेलीपोर्ट कर देता है और फिर अकेले ही ओबिटो से लड़ने चला जाता है, पर ओबिटो मिनाटो के राइट हैंड को बहुत ही इजीली काट देता है। और इसके बाद मिनाटो ये नोटिस करता है कि उसका राइट हैंड रिजेनरेट नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि ओबिटो के अटैक से इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के पावर्स को भी नलीफाई कर सकते हैं। पर इसके बाद सिंस मिनाटो का चक्र लो होता है तो तब वो साइड हो जाता है और फिर नारुतो और बाकी सब मिलकर ओबिटो के अंदर से सारे नाइन टेल बीस्ट का चक्र को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे ओबिटो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। ओबिटो अपने बेस फॉर्म में आते ही तुरंत ही काकाशी ओबिटो को मारने चला जाता है, पर तभी मिनाटो आता है और काकाशी को रोक लेता है और ओबिटो को माफ करने को बोलता है। इसे देखकर फिर ओबिटो माफी मांगता है और वॉर में से सारे लोगों को फिर से रिवाइव करने का प्रॉमिस करता है बाय यूजिंग हिज विनेगर, पर तभी ब्लैक जेट्सू ओबिटो के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और फिर ओबिटो काकाशी और मिनाटो को बोलता है कि कुछ भी करके मेरे ये रिनेगन को डिस्ट्रॉय कर दो वरना मादारा इसे ले लेगा। ये सुनकर मिनाटो ओबिटो के रिनेगन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी मिनाटो के अंदर के यिन कुरामा बोलता है कि वो यांग कुरामा को सेंस नहीं कर पा रहा है, और तभी गारा एंड साकुरा नारुतो के बॉडी को लेके आते हैं और मिनाटो को बोलते हैं कि वो कुरामा के अदर हाफ को नारुतो में सील कर दे जिससे नारुतो की जान बच जाए। तभी मिनाटो यिन कुरामा को नारुतो में ट्रांसफर कर ही रहा होता है कि तभी ब्लैक जेट्सू उनके सामने आ जाता है और यिन कुरामा उसके अंदर सील हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पे मादारा आ जाता है ओबिटो के रिनेगन को लेने के लिए और तभी काकाशी मादारा के ऊपर अटैक करता है, पर मादारा इजीली काकाशी के अटैक को रोक लेता है और मिनाटो के दूसरे हाथ को भी काट देता है। इसे देखकर फिर ओबिटो साकुरा और नारुतो को लेकर कामोई डायमेंशन चला जाता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी माइट गाय भी आ जाता है उनकी मदद के लिए और तभी माइट गाय अपने 8 गेट को अनलॉक करके मादारा के ऊपर अटैक करता है। ये होने के बाद मिनाटो बेहोश हो जाता है, पर तभी थोड़ी देर बाद मिनाटो होश में आने के बाद देखता है कि मादारा ने सबको इन्फिनिट सुकियोमी में डाल दिया है। फिर मिनाटो बाकी सारे होकागे से मिलता है जहां वो मादारा की आधी बॉडी को देखते हैं। सभी सोच ही रहे होते हैं कि वो बाकियों को कैसे बचाए कि तभी मादारा के बॉडी से हागोरोमो द सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की स्पिरिट अपीयर होती है और फिर हागोरोमो कागेस की मदद से नारुतो सास्के साकुरा काकाशी और बाकी सारे टेलबिस को कागुया के डायमेंशन से इधर समन करता है और सारे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के सोल्स को भी फ्री कर देता है।
वेल ये सब होने के बाद मिनाटो आफ्टर लाइफ में जाने से पहले नारुतो को हैप्पी बर्थडे बोलता है और बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मिनाटो नारुतो को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी माँ कुशीना को सब बताएगा कि कैसे उसका बेटा एक बहुत ही अच्छा शिनोबी बना है, जिसे सुनकर नारुतो इमोशनल होता है और बोलता है कि मैं भी आपकी तरह एक बेहतरीन होकागे बनूंगा, आई प्रॉमिस आई विल। और मेरी माँ को भी बोलना कि उन्हें उनके बेटे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग माई बेस्ट। और ये बोलने के बाद मिनाटो फाइनली आफ्टर लाइफ चला जाता है। सो भाई यही थी मिनाटो नामिकाजे उर्फ द येलो फ्लैश की लाइफ स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।